हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर और अपनी चैप्टर के ऊपर, जहां पे कल हमने धमाकेदार शुरुआत की थी सेकेंड ईयर मैथ्स की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। जी हाँ, सही सुन रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सुना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सुना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की कहानी क्या होती है वो आज सुनने वाले हैं। तो चलिए, आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कल हमने इंट्रोडक्टरी सेशन कराया, आज हम कर रहे होंगे बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे यूनिवर्सिटी के लिए। हैशटैग लगा के सब आ जाओ, पूरी तादाद के साथ आ जाओ। शुरुआत करते आपकी मोहब्बत वाली लाइक। जी हाँ, वो बटन दब जाना चाहिए फटाफट से, मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर अपने कॉलेज के ग्रुप में, ऑफिशियल अनऑफिशियल, फ्रेंड्स के ग्रुप में ऑफिशियल अनऑफिशियल, बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि जनाब ऐसे समय पे अगर आप उनकी हेल्प करोगे, जिंदगी भर आपको दुआ देगा जनाब। शेयर करिए, और उसके साथ साथ जिनके साथ शेयर किया ना, पकड़ पकड़ के उनसे सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। आपके लिए तो वो फ्री है, लेकिन हमें थोड़ी सी उससे हेल्प हो जाती है। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन करिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो उनके लिए नाम तो आप जानते ही हो और काम तो आप देख रहे हो, लिंक होती है अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरुआत करते हैं कल वाली कहानी के साथ। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि भाई z z जो होता है वो क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। हमारा z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। तो चलिए, पहली चीज, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसको कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पहले दो तीन सेशन में थोड़ा आराम से जाऊंगा, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी z को अगर मैं बोल दूं, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा बिल्कुल भी पोलार कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गया, पोलार कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दूसरा बनता है जहां पे आर और थीटा आता है, वो होता है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, और फिर जेड के जगह पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आप डालते थे, एंड दैट वॉज नथिंग बट यू ऑफ एक्स प्लस, मतलब यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, एंड प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। मैंने आपको एक और मतलब थिंग यहां पे बताई थी, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड, है ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन इस वाली चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, है ना, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। यहां पे एक्स और वाई के बहुत सारे वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे, लेकिन जेड में एक ही चीज आपको नजर आती थी, एक ही टर्म आपको नजर आती थी, दैट इज टू प्लस थ्री आई फोर प्लस फाइव आई, एक ही टर्म है, रियल पार्ट एक ही है, इमेजिनरी पार्ट एक ही है। लेकिन यहां पे थोड़ा गजब तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। अब इस मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में आप कहोगे कि सर एक होता है हमारा जेड प्लेन, है ना, एक होता है हमारा z प्लेन जिसको हम x प्लस आई वाई के इसमें डिनोट करते हैं, और दूसरा है हमारा w प्लेन, मतलब जिसको हमने बोला है w इज इक्वल टू f ऑफ z। क्या फर्क है सर दोनों में, चलो मैं फर्क बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बेहतरीन वाली कॉन्सेप्ट है, बाबा जी की दरबार में ही सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगी, बाकी कहीं नहीं। तो पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं यार, है ना, ध्यान देते। इफ गिवन फंक्शन इज देखो, गिवन फंक्शन मतलब आज यहां पे आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हो, है ना, मैं यहां पे बोल रहा हूं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देता हूं इसको, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू टू प्लस, ठीक है, टू प्लस थ्री आई या टू प्लस आई, जो भी आपका मन करे, टू प्लस आई बोल देता हूं मैं, पहला सवाल है, थोड़ा आराम से जाते हैं, टू प्लस आई,
ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू टू y, है ना, x इज इक्वल टू टू, और जिसका मतलब होता है y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन। अब इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे अर्गंस डायग्राम इसको हम बोलते हैं, यहां पे मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करा दी, ठीक है ना, यहां पे x एक्सिस, यहां पे y एक्सिस। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करो, इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, यहाँ पे सिंपली वन, तो ये टू कॉमा वन यहाँ पे कहीं तो होगा, और मेरी जो कर्व है वो इस प्रकार से बढ़ती जाएगी जब आप इसको प्लॉट करोगे। तब अगर मैंने x की वैल्यू 3 लेता हूं तो मेरा y 2 हो जाएगा, आप चेक करो 3 और 2 यहाँ पे आ गया, फिर 4 और जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया मेरा z प्लेन, क्योंकि आप उसको देख रहे हो z प्लेन के तहत, विच इज अ परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। ओके, अभी इसी को अगर मैं कह दूं कि भाई साहब w प्लेन के तहत दिखाओ, एज w को मैं ले रहा हूं, w इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं z स्क्वायर, w इज इक्वल टू ले रहा हूं मैं z स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट वॉट x प्लस आई वाई दी होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट वॉट x स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब व्हाट इज योर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो मेरा रियल पार्ट क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट में टू एक्स वाई। अब मेरा x और y कितना है, देखो यहां पे x और y कितना है, टू और वन है ना, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे जो ग्राफ था मेरा z प्लेन का, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि w प्लेन में मेरा ग्राफ कैसे होगा। तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा कि इसके पहले जो z प्लेन के साथ हम खेल रहे थे वो क्या था, और अभी जो हम w प्लेन के साथ खेल रहे वो क्या है। तो चलिए यहां पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस आई ब्रैकेट में 2, यहां पे 2 और यहां पे बिल्कुल भी 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस आई 4, मतलब 3 प्लस 4 आई। अब चेक करो यहां पे 3 प्लस 4 आई। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इसका ग्राफ, बिल्कुल यहां पे थोड़ा कर लेता हूं, नहीं तो मेरे पीछे छुप जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल कर दिया, कोई टेंशन यहां पे नहीं है। द ओनली थिंग इज यहां पे u और v आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जनाब w जो होता है वो u प्लस iv के अंदर होता है, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो मैंने यहां पे आपको बता के रखा है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी चैप्टर में आप यही चीज करने वाले हो। ठीक है, चलिए तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो मेरा पहला x है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 सॉर्टेड, तो इसको 3 को थोड़ा दूर चला गया है, यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये 3 है ये 4 है। अब देखो यहाँ पे है, आगे जैसे जैसे जाऊंगा तो ये नीचे 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 गिरता जाएगा, और ये मेरा ग्राफ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कर्व इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट था ये 2,1 था, ये जो मेरा पॉइंट था वो 3,4 था। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। जेड प्लेन को आप देखोगे तो ऐसे जाएगा, डब्ल्यू प्लेन को आप देखोगे तो ऐसे आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये है मेरा ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने को हम यूज करते हैं Z प्लेन, एंड ये है मेरा W प्लेन जो रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, अब एक सवाल लेता हूं। ठीक है, तो थोड़ा मजा आएगा कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। पहला वाला, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ f of z which is equal to z upon, या फिर आप लिख सकते हो z bar upon z, है ना, z bar upon z। मुझे real part और imaginary part को separate करना है as complex number z is equal to x plus iy, है ना, z is equal to x plus iy and z bar is equal to x minus of iy। इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में
कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ जेड क्या है मेरा? एफ ऑफ जेड है मेरा जेड बार अपॉन जेड। जेड बार क्या है मेरा? एक्स माइनस आई वाई, है ना। और ये क्या है मेरा? एक्स प्लस आई वाई। अब कल के सेशन में ही, सेशन नंबर वन में मैंने आपको क्लियर बता के रखा था कि मेरे डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए, मेरे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए जनाब, तो इसका मतलब ये बनता है कि एक्स माइनस आई वाई अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई इंटू यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस आई वाई, सॉर्टेड। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये बनेगा एक्स माइनस आई वाई दी होल स्क्वायर अपॉन यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई दी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो ये चीजें ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला, कम ऑन एवरीबडी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट्स द रीजन यहां पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको परफॉर्म करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस आई वाई दी होल स्क्वायर, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूं, एक्स माइनस आई वाई दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई वाई दी होल स्क्वायर। चलो एक्सपांड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, प्लस ही होना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म जैसे है वैसे, आई स्क्वायर इज नथिंग बट यहां पे मैं लिखना चाहता हूं दैट इज आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, मैंने सेपरेट कराया बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू आई एक्स वाई, अब सब्स्टिट्यूट करो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, एंड यहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों जगह पे क्या हुआ है मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, इसलिए जहां पे भी यहां पे आई स्क्वायर था यहां पे आई स्क्वायर था, मैंने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया एज अ माइनस वन से, तो ऊपर हो गया प्लस माइनस माइनस, नीचे हो गया माइनस माइनस प्लस, इसलिए उसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब रियल पार्ट को अलग से करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू आई एक्स वाई अपॉन में यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस लिख देते हैं, आई को बाहर निकाला और यहां पे माइनस ऑफ टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अमेजिंग यार, तो ये है मेरा बिल्कुल भी रियल पार्ट एंड ये है मेरा बिल्कुल भी इमेजिनरी पार्ट, एंड इस प्रकार से आपने आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कराया, दैट इज नथिंग बट यू प्लस आई वी। चेक करो, ये आपका पूरा का पूरा यू है एंड ये आपका पूरा का पूरा वी है। सर उसको यू और वी क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो बिल्कुल भी सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है, दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसके लिए उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो ये है असली कहानी, और भी बेहतरीन सवाल सॉल्व करेंगे, और अगर आपको आपके यूनिट टेस्ट से पहले, इन सेम से पहले आपका सिलेबस को कवर करना है तो आइए जरूर अपने बिल्कुल भी अपने पाड़ू इंजीनियर ऐप के अंदर, काफी सारी लेक्चर शुरू हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए। एक पार्टी करने से भी कम पैसे में पूरा वीडियो सेशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन बैंक, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उसकी पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके फाड़ू इंजीनियर ऐप के अंदर। मिलते तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।